हुकूमत का पेंडोरा पेपर्स पर अहम फैसला, बेनामी असासे और ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों की इंक्वायरी के लिए सेल कायम कर दिया। FIA, FBR और नैब मुआवनत करेंगे। सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इंक्वायरी सेल मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये करप्शन पकड़ने का नहीं बल्कि करप्ट माफिया को बचाने का हथकंडा है। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन नैब की तकरीरी और पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कानूनी टीम चेयरमैन नैब की तौसीस से मुतालिक मुसव्वदा फाइनल न कर सकी। टीम आज वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देगी। इस्लामाबाद में मुल्क भर से आए डॉक्टर्स का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने एहतजाज। डॉक्टर्स ने PMC के सामने रोड ब्लॉक कर दिया। डॉक्टर्स के NLE इम्तिहान नामंजूर के नारे। उधर बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद सरकारी अस्पतालों की OPDs पांचवें रोज भी बंद। मरीजों को शदीद मुश्किल। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाले तैयारे से परिंदा टकरा गया, तैयारे को नुकसान। पायलट ने तैयारा बहिफाजत लाहौर एयरपोर्ट पर उतार दिया। गैर मुल्की एयरलाइन ने रवानगी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए मुसाफिरों को घर जाने का मशवरा दे दिया। मुसाफिरों का एहतजाज, घरों को जाने से इनकार। ASF की नफरी तलब। डेंगू के वार कम न हुए। इस्लामाबाद में मजीद 86 अफराद मच्छर के काटने से बीमार पड़ गए। लाहौर में एक रोज में 126 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मजीद 62 केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के तदारुक के लिए इंतजामिया की काविशें तेज। शहरियों को सफाई का खसूसी ख्याल रखने की हिदायत जारी। कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 54 जाने निकल गया। एक रोज में 1,308 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.67% रही। पंजाब में 2.2 और बलूचिस्तान में 1.6% केसेस मुस्बत रहे। गुज़श्ता रोज मुल्क में 12,04,091 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सिंध में गंदम और आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। महकमा खुराक जखीरा अंदोजों के सामने बेबस। सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम का स्टॉक भी गैर मुनासिब इंतजामात पर खराब होने का खदशा। मामला आज सूबाई काबीना के इजलास में ज़ेर गौर आएगा। उधर महकमा तालीम सिंध पर असातज़ा रिक्रूटमेंट टेस्ट में फेल अफराद को भर्ती करने के लिए दबाव बढ़ गया। हुकाम ने मामला काबीना में उठाने का फैसला कर लिया। प्रोपेगेंडे की सियासत ऑपोजिशन का वतीरा है। खिदमत की सियासत के सामने मनफी सियासत दम तोड़ चुकी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुखालिफिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। ऐसे अनासे को पहले भी हसीमत उठाना पड़ी और आइंदा भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। उस्मान बुज़दार से अराकी ने पंजाब असम्बली और टिकट होल्डर्स से मुलाकात की। कोयटा में सियासी हलचल कम न हो सकी। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल नाराज, अराकीन को मनाने में नाकाम। डेडलाइन में सिर्फ एक रोज रह गया। बाकी अरकान ने जाम कमाल को एक साल की मोहलत देने की भी तरदीद कर दी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुदूस बजंजो और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर जान जमाली की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कीनिया की हमनसब रेचल ओमामो से टेलीफोनिक राबता। नैरोबी में मौजूद सऊदी अरब जाने के मुंतजर पाकिस्तानियों की फौरी मुआवनत की दरख्वास्त की। कीनिया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानियों को जल्द सऊदी अरब भिजवाने के लिए हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी करवाई।
पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सर्विसेज 7 घंटे बाद बहाल। साइबर अटैक था या तकनीकी खराबी, ताहाल वजह मालूम न हो सकी। खबर एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया वेबसाइट्स की सर्विसेज मुअत्तल होने से दुनिया की मईशत को $160 मिलियन का नुकसान हुआ। फेसबुक के शेयर्स में भी 5% कमी आ गई। फेसबुक इंतजामिया सेफ्टी के बजाय मुनाफे को तरजीह देती है, आवाम के लिए अच्छे या बुरे से कोई दिलचस्पी नहीं रखती। कंपनी की साबिक अहदेदार फ्रांसिस होगन के इंकशाफात अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मजीद बोली, कंपनी की तहकीकात में पता चला कि इंस्टाग्राम नौजवान लड़कियों के लिए नुकसानदेह है, फिर भी फेसबुक ने इसे सीरियस नहीं लिया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत आज जर्मनी से पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएगी। निजी एयरलाइन की परवाज कल सुबह 6:15 कराची पहुंचेगी। बेटे जवाद उमर का कहना है नमाज जनाजा कल सपहर उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। जर्मनी के शहर न्यूरबर्ग में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। मुस्तकबिल के माहमारों को संवारने वाली हस्ती को सलाम। असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। आलमी योम उस्ताद पर दुनिया भर में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और तकरीबात का इनेकाद। बच्चे अपने असातिज़ा को तहाइफ और तहनियती कार्ड्स देने और पैगाम भेजने में मसरूफ। FBR की जानिब से ऑनलाइन निजाम के साथ मुंसलिक न होने पर जुर्माने लागू। सेल्स टैक्स के तहत नए इकदाम जल्द किए जाएंगे। FBR ज़राए के मुताबिक कंप्यूटराइज निजाम से मुंसलिक न होने वालों को पहली बार 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। चेयरमैन PCB रमीज राजा का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, अपने खिताब में कहा हमारी क्रिकेट ICC की फंडिंग पर चल रही है, बिजनेसमैन आगे आएं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें, मुल्क में मौजूद टैलेंट को आगे लाएंगे, कौमी टीम को नंबर 1 बनाने के लिए काम करते रहेंगे। पाक फौज की बहावलपुर कोर के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान ट्रायथलॉन मुकाबलों का इनेकाद 16 अक्टूबर से होगा। ISVR के मुताबिक मुकाबलों में ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले 18 से 45 साल के अफराद शिरकत कर सकते हैं। 300 मीटर तैराकी, 20 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर दौड़ के मुकाबले होंगे।